जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बता रहे थे कि भारत कैसे युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बना रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेगा कौन। ट्रंप के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन अब खुद अफगानिस्तान भारत के समर्थन में उतर आया है और अमेरिका की बोलती ही बंद कर दी है। दरअसल अफगानिस्तान ने कहा है कि उनके देश में शांति स्थापित करने में भारत का बड़ा योगदान है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने इस पर जवाब भी दिया है, जो कि भारत यात्रा पर आए हुए हैं। मोहिब ने NSA अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान को मिल रही भारत की मदद की सराहना भी की। उन्होंने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण में भारत के योगदान को सराहा। मोहिब ने कहा, भारत के साथ बैठक अच्छी रही। अजीत डोभाल के साथ बैठक में हमने क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर बात की। इसके साथ ही अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाने और अफगानिस्तान में सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमने बात की। और यहाँ अजीत डोभाल ने आगे कहा, भारत अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा में अपना सहयोग देता रहेगा। भारत कई बड़ी निर्माण परियोजना को लागू कर रहा है, साथ ही अफगानिस्तान में लोगों की जरूरतों के मुताबिक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर करने के लिए जारी रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।